तो गाइस मैं निकल गया हूँ अपने नए सफ़र पे अयोध्या से बनारस के लिए। मेरी ट्रेन सुबह 5 बजे की थी, आधे घंटे लेट है, 5:30 बजे आएगी। ये मेरा पीछे होटल था और ये रेलवे स्टेशन है, तो इसीलिए मैंने एकदम पास बुक किया था ताकि सुबह मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो ऑटो वगैरह की। तो अभी पैदल निकल चुके रेलवे स्टेशन की तरफ, तो 5:55 हो रहे हैं, तो अब आपको वहीं मिलते हैं सीधा ट्रेन में। अटेंशन प्लीज, 1 9 1 6 5। जय जय शंकर आदि देव शंकर, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भरा। तो दोस्तों मैंने अपने दिन की शुरुआत ये संकट मोचन मंदिर से की है, जो कि बनारस में स्थित है, और माना जाता है यहाँ पे तुलसीदास जी को हनुमान जी ने रामचरित्र मानस सुनाई थी इसी जगह इसी स्थान पे। और अंदर मोबाइल कैमरा बैग कुछ भी अलाउ नहीं है, तो बाहर लॉकर फैसिलिटी है जिसमें 20 रुपये लगते हैं, वहाँ जमा करके मैं अंदर जाता हूँ। तो अंदर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया श्री काशी विश्वनाथ बाबा के धाम। ये मेरे पीछे नया जो मंदिर बना है वो है, और यहाँ भी मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं यहीं लॉकर फैसिलिटी में जमा करके चलता हूँ अंदर। हर हर महादेव। दोस्तों मैं बनारस में, ये पहली बार नौका यात्रा है, और इसको करने के बाद एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बनारस में अगर नौका यात्रा गंगा आरती के समय आपने नहीं की तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। और पर पर्सन सिर्फ 100 रुपये की यात्रा है और आपको सारे घाट घुमाते हैं।
दोस्तों, बनारस मैं इतनी बार आ चुका हूँ, लेकिन जो इस बार मैंने नई चीज़ एक्सप्लोर करी है वो ये वॉक थ्रू घाट, या घाट वॉक आप कह सकते हैं। एक्चुअली 80 घाट जब आप आएंगे, आप ऑटो से 80 घाट तक आ सकते हैं, और वहाँ से वॉक करते हुए आप दशाश्वमेध घाट तक पैदल जा सकते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। और मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप बनारस में जा रहे हैं तो ये ज़रूर करें कि 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक वॉक करें, घाट टू घाट। तो इसके शॉर्ट्स मैं आपको अभी आगे दिखा रहा हूँ। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा उपाव में, प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। गाइस, तो फाइनली ये सफ़र होता है ख़त्म। मेरी ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन, जो कि पहले मंडुआटी था, वहाँ से है। रात की है, रात की 11 बजे की मेरी ट्रेन है और मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा ये, और आगे ऐसे सफ़र में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।